फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल इंग्लिश अपडेट्स बाय प्रिया शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं बीए सेकेंड थर्ड ईयर का इंग्लिश ए का चैप्टर 14, जिसका नाम है मनी बैन अलियास बीबी जान। तो फ्रेंड्स, मनी बैन एक लेडीज़ होती हैं और अलियास मीन्स उर्फ, और बीबी जान फ्रेंड्स इनको कहा जाता है, पुकारा जाता है इनको बीबी जान कहकर, बाय शिल्पा परालकर। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैप्टर है शिल्पा परालकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी स्टोरी जान लेते हैं थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स, जो हमारा चैप्टर, इसमें एक लेडी के बारे में बताया गया जिनका नाम होता है मनी बैन पारेख, और जो 62 साल की होती हैं, और फ्रेंड्स 30 साल पहले ही वो विधवा हो चुकी होती हैं, और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मनु पारेख। और जो मनु पारेख होता है फ्रेंड्स, वो बजरंग दल से रिलेटेड होता है, रिलेट करता है बजरंग दल से। जैसे फ्रेंड्स हमारे देश में अलग अलग तरह के दल होते हैं, तो ऐसे ही बजरंग दल भी एक दल होता है, और मनु पारेख उससे ही रिलेट करता था। और फ्रेंड्स, वो बहुत दंगों में शामिल होता था। तो एक दिन क्या होता है फ्रेंड्स, एक दिन वो एक बूढ़े व्यक्ति जो कि मुस्लिम होता है, उनकी दुकान पर जाता है और उनको और उनकी पोती को एक कमरे बंद करके, उसको कमरे को बंद करके आग लगा देते हैं। और फ्रेंड्स, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दंगे करते हैं। और फिर फ्रेंड्स, जो मनु पारेख होता है वो टीवी उठा लाता है एक अपने घर पर, उसमें से ही बड़ा वाला। और उसके बाद उसकी जो मदर होती हैं वो उस टीवी को चालू करती हैं। जैसे वो चालू करती तो उस टीवी की स्क्रीन पर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, वो टीवी बंद कर देती हैं अचानक से, क्योंकि वो ये देखकर हैरान हो जाती हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स वो कुछ काम करने लगती हैं, उसके बाद फिर दोबारा टीवी खोलती हैं, तो फिर वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो फिर दोबारा वहीं पर होता है। तो फ्रेंड्स, उसको देखने के बाद फिर वो दोबारा हैरान हो जाती हैं, फिर वो बातें करते हैं आपस में, वो पानी मांगते हैं उनसे, और ऐसी फ्रेंड्स उनके काफ़ी बातें होती हैं। और फ्रेंड्स, ये जो हमारी स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें काफ़ी सस्पेंस भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं मनी बैन अलियास बीबी जान वाला। दिस चैप्टर इज रिटन बाय शिल्पा परालकर। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैप्टर है शिल्पा परालकर जी के द्वारा लिखा गया है। दिस चैप्टर इज अबाउट अ लेडी नेम्ड वॉज मनी बैन पारेख। और फ्रेंड्स, जो हमारे चैप्टर है एक लेडी के बारे में है जिसका नाम है मनी बैन पारेख। शी वॉज 62 ईयर्स ओल्ड। और फ्रेंड्स, जो 62 साल की थी, हु हैड बीन विडो फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। और फ्रेंड्स, जो विधवा हो चुकी थी 30 साल पहले ही। शी हैड अ सन नेम्ड वॉज मनु पारेख, और उनका बेटा भी था जिनका नाम था मनु पारेख, जो कि मैंने आपको बताया बजरंग दल से रिलेटेड था। मनु वॉज द यंग फ्रेंड, जो हमारा मनु पारेख था वो यंग था, और प्रॉमिसिंग सेक्रेटरी ऑफ गुजरात युवक बजरंग दल। और फ्रेंड्स, वो एक सेक्रेटरी था, प्रॉमिसिंग यानी कि एक वो वादों का पक्का वाला एक सेक्रेटरी था, और बजरंग दल का था फ्रेंड्स वो। मनु पारेख वॉज अ टीचर। और फ्रेंड्स, क्या होता है, जब वो बजरंग दल के बाद उसकी शादी हो जाती है तो फिर वो एक टीचर बन जाता है। मनु पारेख वॉज अ टीचर एंड ही टॉट 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। फ्रेंड, शादी के बाद जब उसकी सेजल से शादी होती है तो वो एक टीचर बन जाता है और स्कूल में पढ़ाता है 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को, यानी कि 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाता है इन एलिमेंट्री फिजिक्स एट शिशुगृह विद्यालय इन अहमदाबाद। और फ्रेंड्स, वो एक विद्यालय में पढ़ाता है जिसका नाम होता है शिशुगृह, जो कि अहमदाबाद में होता है। एज अ टीचर ही वॉज रीजनेबली पॉपुलर। तो फ्रेंड्स, वो टीचर होते हुए एक रीजनेबली पॉपुलर था, यानी कि वो काफ़ी पॉपुलर था। पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू हिम फॉर ट्यूशन। और जो फ्रेंड्स पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को उसके पास भेजते थे ट्यूशन के लिए, मनु पारेख के पास। मनु मेड द एक्स्ट्रा 400 रुपीज़ एवरी मंथ। और फ्रेंड्स, वो इतना फेमस था कि वो हर महीने 400 रुपये एक्स्ट्रा कमा लेता था। मनु मदर फ्राउन एट द नोज मेड बाय गिगलिंग। तो फ्रेंड्स, जो मनु की मदर थी वो, उन्हें आदत थी हर चीज़ पर मुंह बनाने की। फ्रॉन कहते हैं फ्रेंड एक तरह से मुंह बनाना, नाक वो सिकोड़ना। तो फ्रेंड्स, इसमें ये मेन चीज़ है, क्वेश्चन ज़्यादातर इस चीज़ से पूछा जाता है कि वो किन किन चीज़ों पर फ्रॉन करती थी, किन किन चीज़ों पर मुंह बनाती थी। एट द नॉइस मेड बाय गिगलिंग। फ्रेंड्स, वो मनु की मदर थी, वो मुंह बनाती थी, बच्चे शोर मचाते थे, नॉइज़ यानी शोर मचाना, मेड बाय गिगलिंग। तो फ्रेंड्स, गिगलिंग कहते हैं मन मन हंसना, यानी कि जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे 13 साल तक के और वो हंसते थे, तो उस बात पर भी जो मनु की मदर थी वो मुंह बनाती थी, उन्हें पसंद नहीं था। चिल्ड्रन हु केम टू हिम फॉर ट्यूशन, जो बच्चे उनके पास ट्यूशन के लिए आते थे मनु पारेख के पास। मनु मदर हैड द हैबिट ऑफ फ्राउनिंग एट एवरीथिंग। तो फ्रेंड, जो मनु की मदर थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्हें आदत थी, हैबिट थी, यानी आदत थी हर चीज़ पे फ्राउनिंग करने की, यानी कि मुंह बनाने की, एट एवरीथिंग हर चीज़ की। शी फ्राउंड वाइल लाइटिंग द लैम्प। तो फ्रेंड्स, वो मुंह बनाती थी वाइल लाइटिंग, यानी कि लाइट जलाते हुए लैम्प की, इन फ्रंट ऑफ हर डेड हस्बैंड फोटोग्राफ। तो फ्रेंड्स, शाम को वो हर शाम को फोटोग्राफ एवरी इवनिंग। तो फ्रेंड्स, वो हर शाम को मुंह बनाती थी अपने हस्बैंड के लाइट जलाते हुए, यानी कि अपने हस्बैंड के आगे
कैंडल कर जलाते हुए, डैड हस्बैंड थे उनके, उनके उनके फोटोग्राफ के आगे कैंडल जलाते हुए वो मुंह बनाती थी। शी फ्राउंड एट मिल्क मैन हु स्पिल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क आउटसाइड। और फ्रेंड्स वो उससे भी मुंह बनाती थी जो एक दूध वाले व्यक्ति आता था, जो जो दूध देते दौरान उसकी कुछ बूंदें गिर जाती थी दूध की आउटसाइड द डोर, यानी कि डोर के बाहर। शी फ्राउंड एट नेबर्स चिल्ड्रन। और फ्रेंड्स वो नेबर के चिल्ड्रनों पर यानी कि पड़ोसी के बच्चों पर भी मुंह बनाती थी। हु रेन अप एंड डाउन इन कॉरिडोर। तो फ्रेंड्स वो क्या करते थे, वो ऊपर नीचे आते थे कॉरिडोर के यानी कि बरामदे ऊपर नीचे आते थे, रैटलिंग करते हुए, शोर करते हुए, शेकिंग द फ्रेम्स ऑफ विंडो, यानी कि हिलाते हुए विंडो के फ्रेम्स को बाय देयर फिंगर, अपनी उंगलियों से। शी फ्राउंड वैन मनु केम एट होम। और फ्रेंड्स एक दिन वो मुंह बनाने लग जाते हैं जो मनु आता है एट होम एट 3 मार्च 2003। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 मार्च 2003 उस दिन को कहा गया जब वो बजरंग दल में शामिल था पहले, शादी से पहले, और वो एक मुस्लिम व्यक्ति को और उसकी पोती को दोनों को जला के आ जाता है एक कमरे में। उसके बाद वो एक बड़ा सा टीवी उठा लाता है। तो ये फ्रेंड्स उस दिन की बात है। शी फ्राउंड वैन मनु केम एट होम। फ्रेंड्स वो मुंह बनाने लगती हैं जब वो घर पर आता है 3 मार्च को इन इवनिंग, शाम को। वैन शी सॉ हिज फीट शी फाउंड हिज स्लीपर ब्रोकन। और फ्रेंड्स वो देखती हैं कि उसकी स्लीपर है यानी कि उसकी चप्पलें टूटी हुई हैं। ही बाउड अ बिग ब्राउन बॉक्स। और फ्रेंड्स वो क्या लाता है, एक बिग ब्राउन बॉक्स लाता है यानी कि काफ़ी बड़ा ब्राउन कलर का, चॉकलेटी कलर का बॉक्स लाता है। ही टुक आउट द टेलीविज़न फ्रॉम द बॉक्स। और फ्रेंड्स वो क्या करता है, टेलीविज़न निकालता है बॉक्स से बाहर एंड स्विच ऑन टेलीविज़न। फ्रेंड्स वो टीवी खोल देता है। ऑन द नेक्स्ट डे फ्रेंड्स अगले दिन क्या होता है, चॉल पीपल केम टू सी टेलीविज़न। अगले दिन जो चॉल के लोग होते हैं वो टेलीविज़न को देखने के लिए आते हैं। मनु वॉज डिलाइट एंड एडमायर बाय नेबर। और फ्रेंड्स मनु बहुत खुश हो जाता है इस बात से, और जो पड़ोसी होते हैं वो बहुत प्रशंसा करने लग जाते हैं उसकी। वेन मनु हैड गॉन आउट, यानी कि फ्रेंड्स जब मनु चला जाता है, सो द मदर कलेक्टेड करेज एंड सी स्विच ऑन टेलीविज़न। तो फ्रेंड्स क्या होता है, मनु के जाने के बाद उसकी मदर होती हैं वो काफ़ी साहस बटोरती हैं यानी कि साहस इकट्ठा करती हैं। एंड शी स्विच ऑन टेलीविज़न, और वो टीवी खोलती हैं। देन द स्क्रीन फ्लिकर्ड। और फ्रेंड्स क्या होता है, उसके बाद जो स्क्रीन होती है यानी कि जब वो टीवी खोलती हैं तो उसकी टीवी की स्क्रीन होती है वो फड़फड़ाने लगती है एक तरीके से। आफ्टर अ मैन वॉज ऑन स्क्रीन एज द सेम एज ऑफ मनु मदर। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है कि स्क्रीन पर एक व्यक्ति होता है जो मनु की मदर की एज का होता है। ही वॉज अ मुस्लिम मैन। और फ्रेंड्स वो मुस्लिम मैन होता है, मुस्लिम व्यक्ति होता है, ट्रेडिशनल मुस्लिम कैप यानी कि एक पारंपरिक मुस्लिम कैप में पहने हुए होता है। ही वॉज क्राइंग, वो रो रहा होता है। आफ्टर मदर स्विच ऑफ टेलीविज़न। फ्रेंड्स के बाद क्या होता है, वो मदर डर के मारे वो टेलीविज़न बंद कर देती हैं। एंड वेंट इनटू द किचन, और वो किचन में चली जाती हैं फॉर सम वर्क, कुछ काम करने के लिए इन आफ्टरनून। फिर फ्रेंड्स वो दोपहर को दोबारा अगेन सी स्विच ऑन टेलीविज़न, दोबारा वो टीवी खोलती हैं। अ मुस्लिम मैन वॉज स्टिल देयर। तो क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे मुस्लिम मैन वहीं पर होता है एंड वीपिंग बिटरली। और फ्रेंड्स वो बहुत रो रहा होता है। ही सेड सम रियोटर्स। रियोटर्स कहते हैं फ्रेंड्स दंगई को, दंगा करने वालों को। तो फ्रेंड्स वो कुछ दंगा करने वाले लूटेड यानी वो लूट लेते हैं हिज टेलीविज़न शॉप। तो फ्रेंड्स वो मनु की मदर को बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी एक टेलीविज़न की शॉप थी, वो कुछ रियोटर्स ने यानी कि कुछ लुटेरों ने लूट ली थी। एंड डिनाइड वाटर, उन्होंने मुझे पानी भी नहीं दिया, पानी को भी मना कर दिया। आफ्टर शी ब्रॉट वाटर फॉर हिम इन दैट कप विच शी रिजर्व्ड फॉर अदर सर्वेंट। और फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है, वो ब्रॉट यानी ले आती हैं वाटर, पानी ले आती हैं उनके लिए, कप विच शी रिजर्व यानी कि जो कप उन्होंने कुछ सर्वेंट्स के लिए यानी कुछ नौकरों के लिए बचाया होता है जो उनके चौल में होते हैं। देन मुस्लिम मैन लेफ्ट सम वाटर इन ग्लास। और फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है, मुस्लिम आदमी जो होता है वो कुछ पानी बचा देता है ग्लास में। शी डिड नॉट लाइक दिस। और फ्रेंड्स वो बात मनु की मदर को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है। एंड टोल्ड हिम टू ड्रिंक लेफ्ट वाटर, और उन्हें कहती हैं कि बचा हुआ पानी पी लो। ही टोल्ड ही ऑलवेज लेफ्ट सम वाटर। वो कहते हैं कि वो हमेशा थोड़ा बहुत पानी बचाते थे फॉर हिज ग्रैंड डॉटर नफीसा। वो हमेशा थोड़ा बहुत पानी बचाते थे अपनी पोती के लिए जिसका नाम था नफीसा, हु वॉज 5 ईयर ओल्ड। और फ्रेंड्स जो उनकी पोती थी 5 साल की थी। शी इंसिस्टेड, जो फ्रेंड्स उन्हें जोर करती थी, उनके ऊपर जिद करती थी एक तरीके से। शी इंसिस्टेड, वो जिद करती थी, इंसिस्टेड मी टू ड्रिंक वाटर। वो कहते हैं कि वो मेरे से जिद करती थी हमेशा पानी पीने के लिए, फ्रॉम माई ग्लास, मेरे ग्लास से। तो फ्रेंड्स वो इसीलिए हमेशा ग्लास में थोड़ा बहुत पानी बचा देते हैं। आफ्टर एड्रेसिंग मनी बहन एज बीबी जान। और फ्रेंड्स क्या होता है, मनी बहन को यानी कि मनु की मदर को बीबी जान संबोधित करते हुए, एड्रेसिंग कहते हैं संबोधित यानी बुलाते हुए,
वो कहते हैं मनी बहन को, बीबी जान ही टोल्ड हर दैट इफ़ शी कुड सी, फ्रेंड्स वो उन्हें बताते हैं मनी बहन को कि अगर तुम भी वो नज़ारा देखती, वट रियोटर्स डिड विद हिम, जो दंगई लोगों ने जो मेरे साथ किया है, शी ऑल्सो सरप्राइज, वो भी आश्चर्य रह जाती। दे ब्रॉट लिस्ट एंड किरोसिन कैन, और फ्रेंड्स वो क्या लाए थे, लिस्ट लाए थे अपने साथ, किरोसिन कैन लाए, कैन लेकर आए थे, किरोसिन की कैन लेकर आए थे, एंड प्लान टू लूटेड एंड बर्निंग द टेलीविज़न शॉप, और फ्रेंड उन्होंने प्लान कर रखा था कि वो टेलीविज़न की शॉप को जला देंगे। आफ्टर रियोटर्स लुक मी एंड माई ग्रैंड डॉटर इन बैक रूम, और फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है, आफ्टर उसके बाद रियोटर्स लॉक कर देते हैं, LOCKED लॉक्ड, फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है, रियोटर्स लॉक कर देते हैं, ग्रैंड लॉक कर देते हैं मुस्लिम मैन और उनकी ग्रैंड डॉटर को, नफीसा को, इन बैक रूम, पीछे वाले कमरे में, एंड बर्न इट ऑल, और पूरे कमरे को जला देते हैं। आई बैग टू स्पेयर माई ग्रैंड डॉटर, फ्रेंड्स वो कहते हैं कि मैंने बहुत कहा उनसे कि आप मेरी ग्रैंड डॉटर को छोड़ दो, बैग भी यानी उन्होंने भीख मांगी, स्पेयर, स्पेयर यानी छोड़ दो माई ग्रैंड डॉटर, बट दे डेस्ट्रॉयड यानी कि उसके बावजूद भी उन्होंने बर्बाद कर दिया, डेस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद कर देना, हॉल शॉप पूरी दुकान, एंड टॉट एंड फाउट लाफ्ट एंड लाफ्ट लाफ्ट यानी, और फ्रेंड्स उसके बाद उन्होंने पूरी दुकान को आग लगा दिया, नफीसा को और मुस्लिम व्यक्ति को भी, और वो हंसते रहे उसके बावजूद भी, और एक दूसरे से लड़ते रहे फॉर टेलीविज़न, टीवी के लिए, टेलीविज़न के लिए, हु वुड टेक बिग वन टेलीविज़न, और फ्रेंड्स वो इसलिए फाइट करते रहे यानी इसलिए लड़ते रहे कि कौन लेगा बड़ा वाला टेलीविज़न। नेक्स्ट डे व्हेन मनु हैड गॉन, फ्रेंड्स अगले दिन क्या होता है, जब मनु चला जाता है, सो शी स्विच ऑन द टेलीविज़न, तो क्या करती हैं, वो टेलीविज़न खोलती हैं, ऑन करती हैं उसको, द मुस्लिम मैन वॉज रीडिंग कुरान, तो फ्रेंड्स उस टाइम क्या होता है, अगले दिन मुस्लिम मैन जो होता है वो कुरान पढ़ रहे होते हैं, ही टोल्ड हर दैट हिज पेरेंट्स केम टू पोरबंदर, उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी बातें डिस्कस करते हैं दोनों, तो वो जो मुस्लिम मैन होते हैं वो मनु बहन से, मनी बहन से, जो कि मनु की मदर होती है, उनसे कहते हैं कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो पोरबंदर आ गए थे बिजनेस करने के लिए। आफ्टर मनु मदर टोल्ड दैट हर पेरेंट्स ऑल्सो फ्रॉम पोरबंदर, तो फ्रेंड्स उसके बाद जब वो ये बताते हैं कि जो मुस्लिम व्यक्ति होते हैं वो ये बताते हैं कि जो मेरे फैमिली हैं, फैमिली मेम्बर्स थे यानी पेरेंट्स थे, वो पोरबंदर आ गए थे बिजनेस के लिए, तो मनु की मदर भी बताने लगती हैं कि मेरे पेरेंट्स भी पोरबंदर से रिलेटेड हैं यानी कि हम भी पोरबंदर से ही हैं। शी हैड ग्रोन अप देयर, उन्होंने जो मनी बहन होती हैं बताती हैं कि मैं भी वहीं पर बड़ी हुई हूँ, स्टेइंग हैप्पी, और बहुत खुश रहते थे हम वहाँ पर, आइडलिक 14 ईयर्स, 14 साल तक रही हैं वहाँ पर। शी टोल्ड हर एल्डर सिस्टर नेम्ड वॉज रामा, और फ्रेंड्स वो अपनी एक बड़ी बहन के बारे में बताती हैं, एल्डर सिस्टर यानी बड़ी बहन, जिनका नाम रामा होता है। शी जम्प्ड इनटू द वेल, और फ्रेंड्स वो कूद गई होती हैं वेल में यानी कि कुएं में, एट धनतेरस, धनतेरस वाले दिन, डे, शी डिड नॉट लाइक अहमदाबाद, फ्रेंड्स वो जो मनी बहन होती है उन्हें बिल्कुल भी अहमदाबाद पसंद नहीं होता है, नॉर इट नाउ यानी कि अब भी नहीं होता है पसंद उन्हें। शी वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड आफ्टर गिविंग बर्थ टू सन, और वो फ्रेंड्स बहुत डिसअपॉइंटेड होती हैं यानी बहुत निराश होती हैं अपने बेटे को जन्म देकर। शी वॉन्टेड अ गर्ल, उन्हें एक बेटी चाहिए होती है। शी वॉन्टेड टू गिव नेम हिम रामा, वो फ्रेंड्स उसका नाम, जो उनका बेटा होता है उसका नाम वो रामा रखना चाहती हैं, बट हर इन लॉ हाउस यानी ससुराल वाले मना कर देते हैं, डिड नॉट लाइक इट, सो दे नेम्ड हिम मनु, इसलिए वो उसका नाम रख देते हैं मनु। शी केम टू अहमदाबाद विद हर हस्बैंड फैमिली, और फ्रेंड्स वो अहमदाबाद आ जाते हैं अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ शादी के बाद, एंड मनु मदर एंड मुस्लिम दे शेयर देयर पास्ट विद ईच अदर, फ्रेंड्स फॉर फ्यू डेज, और फ्रेंड्स कुछ दिनों तो वो अपने सारी काफ़ी सारी अपनी बातें शेयर करते हैं। She told him that when she was eight years old, so she wanted to marry with Gandhi ji. Friends, वो कहती हैं कि जब वो 8 साल की थी तो वो गांधी जी से शादी करना चाहती थी, and he wanted to be the boxer. और फ्रेंड्स वो भी बताने लगते हैं अपने बारे में कि वो भी बॉक्सर बनना चाहते थे, बट हिज फादर सेंट हिम ऑफ हज, और फ्रेंड्स क्या होता है, वो बॉक्सर बनना चाहते थे पर उनके पेरेंट्स उन्हें हज के लिए भेज देते हैं। देन मनु टोल्ड हिज मदर दैट ही इज़ गोइंग फॉर ट्रिप, और फ्रेंड्स जब वो बातें कर रहे थे इस बीच फिर दोबारा मनु उनके पास आता है, और मनु को सारी बात नहीं पता होती है कि उनकी मदर मनी बहन एक मुस्लिम व्यक्ति से रोज़ बात करती हैं टीवी पर,
उसे ये बात बिल्कुल पता नहीं होती है, शादी से पहले की बात होती है फ्रेंड ये सारी। तो उसके बाद फिर मनु बताता है कि मैं एक ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। उस दौरान भी जो मनु की मदर होती है उस दौरान भी वो मुंह बना लेती है, यानी फ्राउन कर लेती है। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम ट्रिप, जब वो फ्रेंड ट्रिप से वापस आता है, सो ही फाउंड हिज मदर सारी हैड टी स्टेन। तो फ्रेंड जब वो वापस आता है ट्रिप से अपने, तो वो पाता है फाउंड यानी वो पाता है हिज मदर साड़ी, यानी कि उसकी जो मदर की साड़ी होती हैड टी स्टेन, उस पर एक चाय का दाग लगा होता है बिकॉज ऑफ हर ट्रिम्बलिंग हैंड्स। उस पर एक चाय का दाग लगा होता है, किस वजह से लगा होता है फ्रेंड्स? वो इस वजह से लगा होता है कि उनके कांपते हुए हाथों की वजह से। शी स्टॉप्ड फ्राउंड फ्राउंड आईज बिकॉज ऑफ हर वीक आई साइट। तो फ्रेंड्स वो अपनी अपना जो मुंह बनाती थी उसको भी रोक देते हैं क्योंकि उनकी आई साइट वीक हो जाती है। शी वॉज इन गुड मूड। तो फ्रेंड्स वो एक दिन जब वो मनु वापस आता है तो वो अच्छे मूड में होती हैं। सो मनु डिसाइडेड टू टोल हर अबाउट सेजल टू मैरी। तो फ्रेंड्स मनु डिसाइड करता है सेजल से शादी करने के लिए, ये बारे में बताने के लिए। शी वॉज नीज, यानी कि वो भतीजी थी ऑफ सखा प्रमुख की। ही थॉट माई मदर इज़ टू ओल्ड। फ्रेंड्स वो सोचते हैं कि मेरी मदर है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। सेजल वुड हेल्प हर इन हाउस वर्क। वो सोचता है कि अगर मैंने सेजल से शादी कर ली तो हेल्प करेगी मेरी मदर के घर के कामों में। शी वुड रिलीव फ्रॉम ऑल वर्क। और वो सोचता है कि मेरी जो मदर है उन्हें हर काम में उन्हें सहायता मिलेगी। और मदर अग्रीड फॉर मैरी टू मनु विद सेजल। फ्रेंड्स जो मनु की मदर होती हैं वो तैयार हो जाती हैं मनु की शादी कराने के लिए सेजल से। मनु एंड सेजल हैड बिकम हस्बैंड एंड वाइफ। फ्रेंड्स क्या होता है फिर उसके बाद मनु और सेजल की शादी हो जाती है, हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। बिफोर 3 वीक्स एगो, 3 हफ्ते पहले ही वो हस्बैंड वाइफ बने हुए होते हैं। और फ्रेंड्स फिर क्या होता है एक दिन वो दोनों अ डे देवर वेटिंग फॉर बस, और वो बस के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं एट बस स्टॉप पर। सो सेजल डिस्क्लोज। तो फ्रेंड्स सेजल होती है यानी डिस्क्लोज यानी पर्दाफाश करना अबाउट मनु मदर, यानी कि मनु की मदर के बारे में पर्दाफाश करती हैं। दैट शी एंटरटेन्ड अ मुस्लिम मैन। वो कहती हैं कि उनकी जो मदर है वो एक मुस्लिम मैन यानी एक मुस्लिम व्यक्ति को हर आफ्टरनून यानी हर दोपहर को एंटरटेन करती हैं, उनका मनोरंजन करती हैं। मनु टोल्ड सेजल हाउ कैन यू से दिस माई मदर इज़। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है फिर मनु कहता है कि हाउ कैन यू से दिस, तुम्हें ऐसे कैसे कह सकती हो। सेजल से कहता है माई मदर इज 62 ईयर्स ओल्ड। वो कहता है कि मेरी मम्मी 62 साल की हैं और वो शी हैड बीन अ विडो फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। वो कहता है कि मेरी मम्मी है जो वो 30 साल पहले विधवा हो चुकी हैं, वो 62 साल की हैं। शी हैड नॉट स्टेप्ड आउट फ्रॉम हाउस। और वो कहता है कि उन्होंने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा है। बट द रबी सेजल इज टॉकिंग। तुम ये क्या बकवास कर रही हो, सेजल से कहता है। ही थॉट मे बी आई डिड नॉट टेकन हर फॉर हनीमून। तो फ्रेंड्स जो मनु होता है सेजल के बारे में सोचने लग जाता है कि वो क्या बकवास कर रही है, और हो सकता है वो इसलिए कह रही हो ये सब क्योंकि मैं उसे हनीमून पर नहीं लेकर गया था। दैट्स वाई शी इज़ टॉकिंग दिस, इसलिए हो सकता है वो ये बोल रही हो। ही एज्योर हर वेन एवर ही गॉट टाइम, सो ही वुड टेकन हर फॉर हनीमून। तो फ्रेंड्स वो कहता है जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें हनीमून के लिए चलूँगा। शी टोल्ड हिम एवरी थर्सडे मुस्लिम मैन केम एंड शी प्रिपेयर्ड शीर कोरमा फॉर हिम। और फ्रेंड्स वो कहती है कि हर थर्सडे को, हर बृहस्पतिवार को एक मुस्लिम व्यक्ति आता है और तुम्हारी मदर उनके लिए शीर कोरमा बनाती है और मेरे लिए भी उसमें से थोड़ा सा भी नहीं देती मेरे को भी। अ डे सेजल अगेन फाउंड टॉकिंग टू मदर विद दैट मैन। फ्रेंड्स अगले दिन दोबारा क्या होता है सेजल पाती है मनु की मदर को उसी मुस्लिम व्यक्ति से बात करते हुए। सो शी क्लोज द डोर। और फ्रेंड्स वो दरवाज़ा बंद कर देती है एंड कॉल्ड मनु आफ्टर ही केम। तो फ्रेंड्स क्या होता है वो मनु को कॉल करती है, फिर उसके बाद मनु आ जाता है। सो दे ओपन द डोर, फिर दरवाज़ा खोलते हैं वो दोनों एंड फाउंड नोबडी वाज इन रूम। और फ्रेंड्स वो ये पाते हैं कि कमरे में कोई नहीं होता है। इट वाज अ मनु मदर। और फ्रेंड्स वहाँ पर सिर्फ मनु की मदर होती हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है उन्हें पता चलता है कि मनु की मदर को एक स्प्लिट पर्सनैलिटी, यानी कि उन्हें एक तरह की उन्हें बीमारी है स्प्लिट पर्सनैलिटी की, जिससे वो खुद से ही बातें करती हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर। फ्रेंड्स एक तरह की बीमारी है। और फ्रेंड्स वो हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा, इसमें मनु की मदर हैं उनके बारे में बताया गया, मनी बहन पारिक के बारे में पूरा, कि ये जो जितना भी होता है उन सब उनकी मदर का भ्रम होता है जिनसे वो बात करते हैं मुस्लिम व्यक्ति से, क्योंकि उन्हें एक तरह की बीमारी होती है जिसका नाम होता है स्प्लिट पर्सनैलिटी। फ्रेंड्स हमारे चैनल को इंग्लिश अपडेट्स को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब एग्ज़ाम बहुत पास हैं तो इसलिए फ्रेंड्स अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए अपना।
और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी हर तरीके से। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम पर मिल जाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल इंग्लिश अपडेट्स बाय प्रिया शर्मा।